नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने फ़ोन पर जितनी भी सरकारी सेवाएं होती है, जैसे कि पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी या अपना लाइसेंस, ऐसी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो सारी आप अपने फ़ोन पर ही कर सकते हैं सिर्फ एक ऐप को डाउनलोड करके। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ऐप अगर आप अपने फ़ोन में डाल लेंगे तो जितनी भी सरकारी सेवाएँ या जितनी भी काम होते हैं सरकारी, पैन कार्ड से जुड़े हुए, हमारे वोटर आईडी से जुड़े हुए, राशन कार्ड से जुड़े हुए, चाहे वो हमारे लाइसेंस से जुड़े हुए, तो जो भी ये काम है सब आप अपने फ़ोन पर ही कर पाएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें और एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐप की, तो उस ऐप नाम है, देखिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। जैसे आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना है डिजिटल, देखिए आपको ये टाइप करना है डिजिटल इंडिया ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपको टाइप करना है क्योंकि बहुत सारी ऐप्स पहले से मौजूद होती हैं जो कि आपको लगेगा कि ये वाली है, लेकिन आप देखिए डिजिटल इंडिया ऑनलाइन, जैसे ही आप पूरा टाइप करेंगे तो आपको ऊपर ये जो लोगो नज़र आ रहा है, आपको ये वाली ऐप यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। देखिए मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ, मैंने ये ऐप जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इसको आप ओपन कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे। देखिए बहुत ही ज़रूरी है ये ऐप क्योंकि आजकल सारे काम हमें अपडेट करने पड़ते हैं बहुत सारे, तो प्लीज़ इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर। और आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी ऐप्स हैं काम करने के लिए। आप देखिए पहले नंबर पर कि वोटर आईडी के लिए ये वाला, ये पैन कार्ड, यहाँ आधार कार्ड, कि ट्रेन की अलग अलग रेलवे की जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आपके राशन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी। और आप यहाँ से कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो गूगल की तरह आप यहाँ पर भी इसको सर्च करते हैं। और थोड़ा आप नीचे चलते हैं तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की भी आपको जानकारी मिल जाएगी, नेट बैंकिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से सारी मिल जाएगी। तो इस ऐप की मदद से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ से आप सारा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वोटर आईडी पे देख क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वोटर सर्विस, देखिए सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं कि अगर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना है या अपना नाम सर्च करना है या आपको ऑनलाइन स्टेटस पता करना है या वोटर लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ से वो सीधे देख सकते हैं। या बात करते हैं चलिए पैन कार्ड की, तो देखिए पैन कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि आप अपने पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या अपने पैन कार्ड के डाटा को करेक्ट करना चाहते हैं, अपने पैन कार्ड के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। उसी तरह आधार कार्ड भी, और उसी तरह आपको जितनी भी यहां पर राशन कार्ड या ट्रेन की इन्फॉर्मेशन वगैरह दिख रही है, आप सारी जानकारी सिर्फ एक ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आप पा सकते हैं। तो बार बार दूसरी ऐप्स को डाउनलोड करने की बजाय आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना सारा काम घर पर बैठ कर ही करिए। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह अपने फ़ोन पर घर बैठे ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ट्रेन, पैन कार्ड, इन सब से जुड़ी हुई सारी काम आप कर सकते हैं अपने घर पर बैठे अपने फ़ोन पर ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लाल निशान को टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर दोस्तों ज़रूर टच कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है और ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।